हेलो गाइस, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम क्या क्या कवर करेंगे, क्रोनोलॉजी टर्म्स को, और इसके साथ साथ हम कवर करेंगे प्रोटो हिस्ट्री को। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रोनोलॉजी टर्म्स क्या होती हैं? देखिए, जो हमारे हिस्टोरियंस थे उन्होंने हिस्ट्री को एक क्रोनोलॉजी टर्म में लगा दिया, जिससे हमें पढ़ना काफ़ी ईजी रहे। तो जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने जो हिस्ट्री है उसको क्रोनोलॉजी टर्म में कैसे सेट करा, देखिए मैंने एक स्केल बनाया है यहाँ पर। इस स्केल को पहले हम बाद में देखते हैं, पहले यहाँ देखते हैं। BC, BCE, AD एंड CE। BC को क्या कहा जाता है? बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? ईसा पूर्व। उसके बाद आज की डेट में BC को क्या कहा जाता है? BCE, बिफोर कॉमन ईरा। और AD को क्या कहा जाता है हिंदी में? ईसवी। और आज की डेट में इसको किस नाम से जाना जाता है? कॉमन ईरा। तो याद रखना, AD लगाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर हम हिस्ट्री में कुछ ईसा पूर्व या फिर बिफोर क्राइस्ट का कुछ पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर BC मेंशन करना ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने रिमार्क में स्पेशली मेंशन करा है। मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आज कौन सा ईयर चल रहा है? 2018। क्या हमने कभी 2018 AD लगाया या फिर 2018 CE? नहीं लगाया। इट मीन्स कि AD लगाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जहाँ पर हम हिस्ट्री, अपनी एंशियंट हिस्ट्री की बात करेंगे, वहाँ पर हमें BC मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। वो क्यों मेंशन करना ज़रूरी है वो मैं आपको भी बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने एक स्केल बनाया, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 BC एंड 1 AD, और यहाँ पर जो आपका आज का ईयर चल रहा है 2018 AD, ठीक है। और ये जो हमारी हिस्ट्री शुरुआत हुई थी लगभग 2.5 लाख साल पहले हुई थी, तो 2.5 लाख BC, ठीक है। तो जैसे जैसे ईयर बीतते गए तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता गया। जैसे मान लो 500 BC आया, फिर 400 BC आया, फिर उसके बाद आ गया 1 BC। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ कि मान लीजिए कि आपकी जो हैप्पी बर्थडे आता है वो आता है 420 BC में, और अगर मैं आपको कहूँ कि आप 80 साल के कब होगे तो आप होगे 360 BC में। गॉट इट? तो मतलब क्या है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, ठीक है। जैसे कि AD में बात करूं, आपका बर्थ डेट होगी 1990 AD। मैंने जैसे कि बताया AD लगाना अनिवार्य नहीं है, ज़रूरी नहीं है। अगर आपको मैं बोलूं कि आप 28 साल के कब होंगे तो आप होंगे 2018 में। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है, इससे पहले का क्या था? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे ही 1 BC ख़त्म हुआ, यहाँ से स्टार्ट हो गया था 1 AD, कहीं भी जीरो नहीं आता। तो इसमें कन्फ्यूज़न मत होना कि 1 BC के बाद जीरो या फिर 1 AD। बस ये याद रखना, बिफोर क्राइस्ट आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता था, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं कि अगर हम बात करें कि ये जो मेंशन है एक टेबल, इसमें आपको बताना है कि फर्स्ट सेंचुरी कब होगी, सेकंड सेंचुरी कब होगी, थर्ड सेंचुरी कब होगी। जैसे कि मैं बात करूँ बिफोर क्राइस्ट में, BC में, तो फर्स्ट टू हंड्रेड, 100 to 1 तक कौन सी सेंचुरी होगी? फर्स्ट। 200 to 100 तक सेकेंड सेंचुरी। 300 to 200 थर्ड सेंचुरी। ऐसी अगर मैं बात करूँ AD में, 1500 to 1600 कौन सी सेंचुरी होगी? 16th। 1600 to 1700 17th। और 2000 से लेकर 2100 के बीच में 21वीं सेंचुरी, जो आज की डेट में हमारी चल रही है। चलिए, ये पार्ट आपका कवर होता है। और आई थिंक ये जो डाउट रहता है बच्चों को कि BC और AD को हम कैसे मेंशन करें, तो वो बहुत ज़रूरी है जानना। हिस्ट्री को जो हम अगर पढ़ें तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम एंशियंट को काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। और हिंदी मीडियम वाले इसको, BC को ईसा पूर्व कहते हैं और AD को ईसवी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटो हिस्ट्री, स्टोन एज, या जिसको हम पत्थर युग भी बोलते हैं। स्टोन एज को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज। हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई हमारी हिस्ट्री की? तो सबसे पहले तो हम सोर्स देखते हैं। सोर्स हमारे फर्स्टली क्या हैं? इंक्रिप्शन, न्यूमिस्मेटिक, आर्कियोलॉजी, मोनूमेंट्स, लिटरेचर, ओरल हिस्ट्री, साइंटिफिक वर्क, या फिर ब्राह्मणिकल लिटरेचर, जो ये आपका वैदिक एज वाला पीरियड था उसमें हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि वेदास, उपनिषद, ये सारे के सारे ब्राह्मणिकल लिटरेचर से जुड़े हुए हैं। उसके बाद दो धर्म आए, जैनिज्म और बुद्धिज्म। जब लोग परेशान थे काफ़ी वैदिक पीरियड से, तो उन्होंने शिफ्ट किया जैनिज्म और बुद्धिज्म में, ये भी हम आज पढ़ेंगे। और उसके बाद फॉरेन सोर्सेज आपके क्या हैं, चाइनीज सोर्सेज क्या हैं या फिर मुस्लिम सोर्सेज,
यहाँ से हमें काफ़ी एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है हमारी हिस्ट्री की। तो इनक्रिप्शन क्या होता है, जैसे कि राजा महाराजा क्या करते थे, अपने दीवारों पे कुछ कुछ मेंशन करवाते थे कि हमारा जो टाइम पीरियड था वो इस तरह था, हम यहाँ पर राज इस तरह करते थे, मतलब अपने बारे में कुछ वो दीवारों पे मेंशन करवाते थे। तो इनक्रिप्शन नॉलेज हमें वहाँ से मिलती है। न्यूमिस्मेटिक क्या होता है कि राजा महाराजा अपने टाइम में सिक्के वगैरह चलाते थे, सिक्के पर अपनी पिक या फिर डेट मेंशन करवाते थे कि इस टाइम यहाँ पर ये राजा था। तो ये कॉइन की स्टडी से भी हमें काफ़ी नॉलेज मिलती है, न्यूमिस्मेटिक कॉइन की स्टडी को कहा जाता है। उसके बाद आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी क्या है, खुदाई के जरिए कि हम खुदाई कर रहे हैं और खुदाई के बाद हम सी कार्बन सी 14 एलिमेंट का यूज़ करते हैं और हम पता लगाते हैं कि ये जो जो हमें कुछ भी वस्तु या कुछ भी मिला है वो कितने साल पुराना है, गॉट इट। और फोर्थ वन है मॉन्यूमेंट, किसी राजा महाराजा ने मॉन्यूमेंट्स बनवाए, जैसे कि हम बात करें अशोका ने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए, उससे हमें जानकारी मिलती है कि अशोका एक काफ़ी बुद्धिस्ट को मानने वाला था, बुद्धिज़्म को मानने वाला था, और बुद्धिज़्म में भी मेंशन है कि अशोका ने काफ़ी अच्छे से बुद्धिज़्म का प्रचार किया। चलिए उसके बाद लिटरेचर, कुछ राजा महाराजाओं के टाइम में वहाँ पर लिखित पुस्तकें मिली जो उनके टाइम की लैंग्वेज की थी, लेकिन वहाँ से भी हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन ग्रैप होती है। एंड नेक्स्ट वन है ओरल हिस्ट्री, ओरल हिस्ट्री जैसे कि मान लीजिए कि सुनी सुनाई बातें, कि एक फादर ने अपने बेटे को स्टोरी सुनाई, बेटे ने अपनी थोड़ा उसमें एड ऑन करा, फिर उसने अपने बेटे को सुना दी, तो एक पूरी की पूरी एक लाइन ऑर्डर में एक ओरल हिस्ट्री चलती आ रही है। अब आप एक बात सुनिए, इस चीज़ को समझिए, क्या ओरल हिस्ट्री पर बिलीव करना सही रहेगा, क्योंकि हर पर्सन का अपना एक ढंग होता है बात को व्यक्त करने का, है ना। जैसे अब मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आप लोग मेरी सुनी हुई बातों को आराम से पढ़ेंगे, उसके बाद आप अपने किसी फ्रेंड को समझाएं, तो आप अपने वे में उसको समझाएंगे, ठीक है, या आप अपने तरफ से कुछ ऐड ऑन करेंगे उसमें, है ना। तो इसीलिए जो ओरल हिस्ट्री थी उस पर हमारे हिस्टोरियंस ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं और मेंशन करूँगा, अगर ओरल हिस्ट्री के साथ इंक्रिप्शन या फिर न्यूमिस्मेटिक आर्कोलॉजिकल या फिर मॉन्यूमेंट लिटरेचर कुछ भी मैच कर रहा है, तब हमारे हिस्टोरियंस ओरल हिस्ट्री की बात पर बिलीव करते थे। उसके बाद कुछ एक साइंटिफिक वर्क से हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन ग्रैप होती है, फिर ब्राह्मणिकल लिटरेचर जैसे कि मैंने आपको मेंशन करा, वैदिक पीरियड में वेदास के बाद आपके उपनिषद, यहाँ से हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट रूप में मिलती है। उसके बाद जैनिज्म बुद्धिज़्म, ये हम आगे पढ़ेंगे अभी। चलिए प्रोटो हिस्ट्री, मैंने कि जैसे कि आपको बताया 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पैलियोलिथिक मेसोलिथिक न्योलिथिक, और 2 मैं और आपको आज करवाऊंगा जिसको कॉपर एज भी बोला जाता है और आयरन एज भी बोला जाता है। चलिए पैलियोलिथिक से स्टार्ट करते हैं। तो पैलियोलिथिक एज आपकी आज से 2.5 लाख साल पहले स्टार्ट हुई थी और ये एज चली 2.5 लाख टू 36,000 BC, यहाँ पे मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर जो लोग रहते थे वो बेसिकली कैसे रहते थे वो हम डिस्कस करेंगे। ये लोग एक तरह के आदिवासी थे, इनके पास कुछ भी कोई सोर्स नहीं था, ना ये कोई काम करना जानते थे, ये जस्ट एक शिकार कर अपना पेट पालते थे। जैसे कोई भी रफ स्टोन मिला उसको किसी एनिमल पर थ्रो करा और उसको मारा और उसको खा लिया, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो पेड़ों पर उस टाइम फल लगे होते थे उनसे अपना पेट भरते थे। और ये लोग रहते कहाँ थे, केव्स और माउंटेन्स में, ठीक है, गुफाओं और पहाड़ों में। तो इनको कुछ भी नॉलेज नहीं थी। जब पैलियोलिथिक एज का एंडिंग पीरियड था तब यहाँ पर एक बहुत ही क्रांतिकारी आविष्कार हुआ, या आप कह सकते हो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुई जिसको हम फायर बोलते हैं। 2 पत्थर को रगड़ा और उसमें से फायर निकली, ठीक है। तो इनको पहले तो समझ ही नहीं आया ये है क्या, लेकिन बाद में इसका भी इन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया। तो पैलियोलिथिक एज है जो, उसकी हमें मेजर साइट्स कौन कौन सी है जहाँ से हमें पैलियोलिथिक एज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि आपका कश्मीर, थार डेजर्ट, डिडवाना केव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये राजस्थान में, बेलन वैली ये उत्तर प्रदेश में, भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश, और विंध्य रेंज में आपकी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ से हमें पैलियोलिथिक एज की काफ़ी इन्फॉर्मेशन ग्रैप होती है। उसके बाद हम आगे चलते हैं मेसोलिथिक एज में। मेसोलिथिक एज आपकी स्टार्ट होती है 36,000 BC टू 9,000 BC तक, और लगभग जो मेसोलिथिक एज थी आपकी, यहाँ पर जो ये लोग हैं ये कुछ समझदार हो गए, ठीक है। ये एनिमल्स का जो शिकार कर रहे हैं ये शार्प टूल के साथ कर रहे हैं, मतलब जो टूल्स हैं, जो पत्थर हैं, उनको पहले शार्प किया, उसके बाद एनिमल को मारा। और यहाँ पर एनिमल को कच्चा नहीं खा रहे हैं जैसे पैलियोलिथिक एज में खा रहे थे, यहाँ पर एनिमल्स को इन्होंने फायर के थ्रू
पकाकर खाना शुरू कर दिया था, ठीक है, मतलब यहाँ पर इनका कुछ एडवांस लेवल हुआ और ये जो हमें नॉलेज मिलती है आदमगढ़, होशंगाबाद, भीमबेटका, बागोर, इन राजस्थान, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और द रिवर कोठा, ये जो राजस्थान का बागोर है ये कोठारी रिवर के पास था, और यहाँ पर काफ़ी हमें मेसोलिथिक एज की जानकारी मिलती है, याद रखना, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं न्यूलिथिक एज में। न्यूलिथिक एज की जो शुरुआत हुई वो 9000 BC में हुई और 9000 BC से 400 BC तक ये चला न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज में बहुत बड़ी क्रांतिकारी डिस्कवरी हुई और ये जो डिस्कवरी थी ये थी व्हील की, ठीक है। व्हील आपको पता है, एक तो पॉटरी मेकिंग, घड़ा, जो घड़े वगैरह बनते हैं इसके लिए यूज़ में आता है, और यहाँ पर जो व्हील की यूज़ से इन्होंने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल करना शुरू कर दिया। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल क्या होता है? पशुपालन, पशु के जरिए इन्होंने खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया। मतलब यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा समझदार हो चुके थे, ठीक है। मतलब यहाँ पर लोगों ने एनिमल्स को प्रॉपर यूज़ में लाए, जैसे जो डॉग होता है उसको रखवाली के लिए रख लिया, और जो बैल होते हैं उनको खेती बाड़ी में यूज़ करना शुरू कर दिया। मतलब यहाँ पर लोग बहुत समझदार हो गए और व्हील पॉटरी मेकिंग होने लग गया, और यहाँ पर एक तरह का एग्रीकल्चर इनका मेन सोर्स रहा, ठीक है। तो न्यूलिथिक एज की एंडिंग पीरियड तक ब्रॉन्ज एज आई। ब्रॉन्ज एज को हम अभी पढ़ेंगे, ब्रॉन्ज एज क्या होती है, जिसको हम चैलोलिथिक एज भी बोलते हैं। और न्यूलिथिक एज की जो हमें जानकारी है वो हमें कहाँ से मिलती है? मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है, फिर उसके बाद गुफग्राल महागरा जो कि यूपी में है, चिरांद जो कि बिहार में है, कोल्डीवा ये आपका यूपी में, यहाँ से हमें न्यूलिथिक एज की जानकारी मिलती है, ठीक है जी। उसके बाद जब न्यूलिथिक एज अपनी एंडिंग पीरियड में था तो यहाँ पर कॉपर और ब्रॉन्ज का यूज़ होने लग गया था। मतलब कॉपर और ब्रॉन्ज का यूज़ कर यहाँ पर लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी या फिर मूर्तियों वगैरह का बनाना इन्होंने शुरू कर दिया था। चलिए चैलोलिथिक एज के ऊपर चलते हैं। चैलोलिथिक एज जो थी हमारी 4000 BC टू 1500 BC तक रही, या 100 BC भी, अगर यहाँ 1000 BC भी लिखा हो तो एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद इसको हम अच्छे से स्टडी करेंगे। जो चैलोलिथिक पीरियड था आपका, बेसिकली यहाँ पर लोग काफ़ी कुछ इन्होंने आर्टिफिशियल ज्वेलरी के ऊपर बनाना शुरू कर दिया था, एंड सेकेंडली मूर्तियाँ वगैरह का जो निर्माण था वो यहाँ पर शुरू हो गया था, ठीक है। उसके बाद जो आपका 1500 BC से और 200 BC तक, इसको आप आयरन एज के नाम से भी जानते हैं। देखिए आयरन एज बेसिकली जब हमारे आर्यंस आए थे सेंट्रल एशिया से, तो उनके आने से ही आयरन एज का उदय हुआ था, ठीक है। तो आयरन एज बेसिकली स्टार्ट हुई थी आपकी 1500 BC से। तो हम आगे चलते हैं और इसके बारे में हम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। देखिए सम फैक्ट्स अबाउट स्टोन एज, कुछ एक फैक्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। कश्मीर ओनली साइड वेयर मिक्रोलिथ इज कम्प्लीटली अब्सेंट, ठीक है जी। उसके बाद आपका कॉपर वाज फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन। उसके बाद अर्लीस्ट राइज एविडेंस फ्रॉम अलाहाबाद, अलाहाबाद को उस टाइम प्रयाग बोला जाता था, ठीक है जी। डेड बॉडी इन नॉर्थ साउथ पोजीशन महाराष्ट्र, डेड बॉडी इन ईस्ट साउथ पोजीशन साउथ इंडिया। उसके बाद आपका जो, ये कुछ एक फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो ये था आपका स्टोन एज का पार्ट, ठीक है। थैंक यू क्लास।